कुख्यात गैंगस्टर जो अतीक अहमद को शनिवार रात गुली करी हत्या पर घटना पर आज सका केमी रही प्रयागराज स्थित किभली रही सेठाकर परिस्थिति घटनास्थल अधिक सूचना देखते आम न्यूज 18 प्रतिनिधि। देखिए उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अशरफ को प्रयागराज पुलिस की 4 दिन की रिमांड मिली थी, जिसके चलते लगातार जो प्रयागराज पुलिस है वो अतीक अशरफ को धूमनगंज थाने में रखकर पूछताछ कर रही थी और जो जो पहले के जिन आरोपियों को हिरासत में लिया गया था उनसे मिले तथ्यों का मिलान कराया जा रहा था और उनकी निशानदेही पर हथियार और भारी संख्या में कारतूसें भी बरामद की गई थी। कल देर रात कसारी मसारी के जंगलों से भी एक हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया था, कई पिस्टल्स के साथ कारतूसें बरामद हुई थी जिसमें कुछ कारतूसें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भी थी, जिसके बाद अतीक का मेडिकल कराया जाना था क्योंकि ये एक प्रक्रिया है और कोर्ट ने भी इस बात का निर्देश दिया था कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि उनके स्वास्थ्य को कोई दिक्कत ना हो और लगातार वकीलों की मॉनिटरिंग में पूछताछ भी हो। इसीलिए जब पुलिस भी पूछताछ कर रही थी तो एक निर्धारित दूरी पर उनके वकील भी मौजूद थे। उस प्रक्रिया के तहत कल इसी रास्ते से अतीक और अशरफ को प्रयागराज पुलिस मेडिकल कराने के लिए करीब 10 बजे रात को इस मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय काल्विन अस्पताल में ला रही थी। जैसे ही अतीक और अशरफ की गाड़ी यहाँ पर पहुँचती है, सबसे पहले अतीक और अशरफ यहाँ से उतरकर अंदर बढ़ते हैं और इस दौरान क्योंकि लगातार मीडिया उनको फॉलो करता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है और जैसे ही अतीक अशरफ उतरकर इस जगह पर पहुँचते हैं वैसे ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। आपने देखा कि मीडिया कर्मियों के रूप में पहुंचे शूटर्स ने पहले उन्हें आईडी लगाते हैं और उसके बाद सबसे पहले अतीक को गोली मारी जाती है और उसके बाद अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। आप देख सकते हैं कि यहां पर वो निशान बनाए गए हैं, वो ब्लड अभी भी पड़ा हुआ है। करीब 20 से 22 राउंड फायर किया जाता है और सीधा जो मकसद था वो था अतीक और अशरत की हत्या और यही कारण है कि अतीक अशरत के अलावा इन शूटरों ने किसी को न तो टारगेट किया और उसके बाद न भागने की कोशिश की क्योंकि उनको पता था कि अतीक और अशरफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में यहां पर लाया जा रहा है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स उसके साथ मौजूद है और आप देख रहे हैं कि जो ये नंबर्स लिखे हैं यहाँ से वो कॉटेज बरामद की गई है, यहाँ पर वो फायरिंग के निशान मौजूद थे। इस दौरान उसको ये शूटरों को आभास था कि अगर वो भागने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रयागराज पुलिस भी उन पर फायर कर सकती है और यही कारण है कि पूरी सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत उन्होंने सबसे पहले अतीक और अशरफ की हत्या करके सरेंडर किया और फिर पुलिस उन्हें हिरासत में तत्काल लेती है। जो हिरासत में युवक लिए गए हैं उनके नाम लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और रोहित बताया जा रहा है। अरुण मौर्य कासगंज का बताया जा रहा है और लवलेश तिवारी बांदा और रोहित के हमीरपुर के होने की जानकारी मिल रही है। अभी लगातार पुलिस की एक टीम इन तीनों शूटरों से पूछताछ। तो आप शुणुते जो भाव में आम प्रतिनिधि घटनास्थल अधिक अपडेट आपको देते जो स्थानूली फायरिंग होता है जो तीन जन कथा कहु लवलेस कथा कहु सनी कथा कहु समस्ते जाते जे आमे एभली फायरिंग करने प्रयागराज पुलिस ठारू बर्ती जाई पारिबू नाही तेणुक सरेंडर से ही घटनास्थल विजुआल आप देखुं वर्तमान समय आपको देखाऊ बर्तमान पूरा घेराबंदी कर रखाई से अंचल को जे कारण 20 से 22 राउंड जो ते गुड़ फुटाई तीन जन पूरा पाखु आसी से अंचल बर्तमान पूरा सिल कर मेडिकल भितर कैंपस आप चित्र देखुते पूरा भाभी चिंती योजना भाव करन जन आसी अतीक अशरफ को हत्या करने जो कि हत्या करने फायरिंग करने इमिडिएटली सरेंडर कर कारण जहां रिपोर्टर कहते से जाते आमे जदि खसी पड़ा चेष्टा करू प्रयागराज पुलिस आमको छाड़ब ना से सरेंडर कर अर्थात पूरा भाभी चिंती से जाते आज ही अतीक अशरफ यही स्थान को आसबे राति से तीन जन आसी से स्थान में पहुंची एभली हत्या कर अतीक अशरफ को तबे समय गोटे छोटिया ब्रेक रहा ब्रेक पर देखा कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया।
बाहुबली राजनेता गैंगस्टर अतीक अहमद को हत्या, भाई अशरफ सह मेडिकल चेकअप जावा बेले गुड़माड़ तीन गिरफ्त। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट, घटनार विचार विभाग तदंत निर्देश।